मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि नैतिकता के आधार पे प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। उनकी क्रेडिबिलिटी लॉस्ट कोरेशन। नैतिकता अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है तो वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। 10 साल पावर में रहने के बाद मोदी सरकार इस लोकसभा इलेक्शन में मेजॉरिटी लाने से चूक गई। टोटल लोकसभा सीट्स 543, बीजेपी सीट्स 240, मेजॉरिटी मार्क 272। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और वही बीजेपी को सबसे बड़ा झटका मिला है। एनडीए के लिए 400 पार का नारा लगाया जा रहा था जो दूर दूर तक पूरा नहीं हो पाया। अब ऑपोजिशन डिमांड कर रहा है मोदी का रेजिग्नेशन। उनका मानना है कि एनडीए गवर्नमेंट 400 पार नहीं कर पाए तो मोदी शुड रिजाइन ऑन मोरल ग्राउंड्स। जरा सी भी नैतिकता अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो 400 पार का नारा दिया। कोई सेंसेस बात है? हमें खुशी मोदी जी सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी पाए नहीं, उनकी क्रेडिबिलिटी लॉस्ट कोरेशन, उनका इमीडिएट प्रधानमंत्री के रेजिग्नेशन दिया उचित। तो सोचने की बात है, क्या सच में बीजेपी की इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही है कि पीएम मोदी को रिजाइन दे देना चाहिए? क्या मोदी सरकार इंडिया अलायंस के सामने हार गई है? मॉरल ग्राउंड्स यानी नैतिकता पर जो पार्टीज रेजिग्नेशन की मांग कर रही हैं, उनकी खुद कैसी परफॉर्मेंस रही है? और सिर्फ परफॉर्मेंस क्यों, अगर मॉरल्स की बात हो रही है तो इंडिया अलायंस की पार्टीज के कैसे मॉरल्स हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इन सब सवालों के जवाब हम आपको देंगे ब्राइट विंग पर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैप्टर 1, परफॉर्मेंस ऑफ मोदी गवर्नमेंट। सबसे पहले तो मोदी सरकार की परफॉर्मेंस को समझते हैं। शायद लोग भूल रहे हैं कि एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एक प्री पोल अलायंस है और इस अलायंस ने मोदी की लीडरशिप में ये इलेक्शन लड़े हैं अलोंग विद रीजनल प्लेयर्स। और एनडीए अलायंस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई है और इस बार भी एनडीए सरकार पावर में है। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनना हिस्टोरिक है। उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है, पर अगर पूरा देश मोदी सरकार से खुश नहीं होता तो उनके बाकी के स्टेट्स में भी झटके लगने चाहिए थे। बट पिक्चर काफी अलग है। बीजेपी ने दूसरी बार दिल्ली की 7 सीट्स जीती हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीट्स और उत्तराखंड की 5 सीट्स पर बीजेपी ने हैट्रिक मारी है। मध्य प्रदेश जहां बीजेपी ने 2019 में 29 में से 28 सीटें जीती थी, वहां इस बार सारी 29 सीटें जीती हैं। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी बीजेपी की क्लीन स्वीप है। गुजरात में बीजेपी ने 26 में से 25 सीटें जीती हैं। ओडिशा में 21 में से 20 सीटें जीती हैं। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें जीती हैं। एनडीए अलायंस ने पीएम मोदी की लीडरशिप के साथ इन सब स्टेट्स में इंडी अलायंस को हराया है। एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। अक्सर ये माना जाता है कि कर्नाटका के अलावा पूरा साउथ इंडिया बीजेपी की पहुंच से बाहर है। 2024 के रिजल्ट्स कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। 5 साल पहले साउथ इंडिया के 5 स्टेट में से 3 स्टेट्स में बीजेपी को 0 सीट्स आई थी। कट टू 2024, सिर्फ एक स्टेट तमिलनाडु में बीजेपी एक भी सीट नहीं ला पाई। बट तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर 3.6% से 11.03% इंक्रीज हुआ है। वोट शेयर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला तीनों में इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट केरला में बीजेपी ने पहली बार अपना अकाउंट खोला है बाय विनिंग थ्रिसूर सीट। पंजाब, जहां बीजेपी पहली बार अपने पुराने एलाय श्रोमणी अकाली दल के बिना लड़ी है, वहां भी बीजेपी के वोट शेयर में मेजर इंक्रीज आया है। एक और, ये वोट शेयर शिरोमणि अकाली दल से भी ज्यादा है। क्या आप जानते हैं 1989 से लेकर 2014 तक
भारत में किसी भी पार्टी ने मेजॉरिटी मार्क क्रॉस नहीं किया है। 2014 में मोदी ने ये ट्रेंड तोड़ा था। 2024 में भी बीजेपी सिर्फ कुछ नंबर से मेजॉरिटी बनाते बनाते रह गई। नेहरू ने 3 टर्म सिक्योर करे थे, पर ये भी याद रखिए तब ऑपोजिशन नॉन एग्जिस्टेंट थी। आज एक आदमी को हराने के लिए ऑपोजिशन का महागठबंधन साथ में आकर भी खुद हार गया है और ऊपर से रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। फॉर व्हाट? शुड मोदी रिजाइन फॉर मेकिंग बीजेपी द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री? फॉर द थर्ड टाइम बीजेपी ने मेजॉरिटी मार्क क्रॉस नहीं किया, एग्रीड, पर किसी और पार्टी ने किया। चैप्टर 2, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया लाइंस। कांग्रेस 99 सीट्स लाकर पीएम मोदी से रेजिग्नेशन मांग रही है, पर यह कांग्रेस की आज तक की थर्ड वर्स्ट परफॉर्मेंस है। आई थिंक कांग्रेस 2014 और 2019 भूल रही है। अगर मेजॉरिटी सीट्स ना लाना रेजिग्नेशन का क्राइटेरिया है, तो राहुल गांधी, इनफैक्ट पूरी गांधी फैमिली को 10 साल पहले ही मॉरल ग्राउंड्स पर कांग्रेस से रिजाइन कर लेना चाहिए था। इमोशनल डैमेज। ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही है कि उन्हें रिजाइन नहीं, कांग्रेस को त्याग देना चाहिए था। आम आदमी पार्टी इस इलेक्शन में 22 सीटों पर लड़ी है, जीती कितनी? सिर्फ 3। तो कहां है फिर केजरीवाल का रेजिग्नेशन? वो तो पूरा दिल्ली हार गए हैं। कहां है आम आदमी पार्टी के मॉरल ग्राउंड्स? वेट, वो तो हारने पर लड्डू खा रहे हैं। इंडी अलायंस 24 पार्टीज की प्री पोल अलायंस कितनी सीट्स जीती है? सिर्फ 234। अकेले बीजेपी की इससे ज्यादा सीट्स हैं यार। फिर भी इनके अंदर गट्स हैं भाई रेजिग्नेशन मांगने के। और मॉरल्स की बात हो रही है तो इन पार्टीज में खुद कितनी मॉरालिटी है, आइए वो भी देखते हैं। चैप्टर 3, मॉरालिटी चेक ऑफ इंडिया अलायंस। अगर कांग्रेस ने आज तक कहीं ओवर परफॉर्म किया है तो वो स्कैम्स में किया है। जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। अरे रुकिए, ये रही लिस्ट, ध्यान से सुनिए। बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? खजाना स्कैंडल। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आर्मी खड़ी करी थी इंडिया को आजादी दिलाने के लिए। इस आर्मी को चलाने के लिए उन्होंने लोगों से हेल्प मांगी थी। बहुत से इंडियंस ने अपना गोल्ड, डायमंड, कैश बोस को डोनेट किया था भारत को आजादी दिलाने के लिए। बोस की मौत के बाद उनका ये खजाना उन्हीं के कुछ साथियों ने चुरा लिया। इंडिया में नेहरू को इस चोरी की खबर बार बार दी गई, बट ही इग्नोर्ड इट। इनफैक्ट S.A. अय्यर, जो इस चोरी में बड़े सस्पेक्ट थे, उन्हें नेहरू ने रिवॉर्ड दिया। क्या ये है कांग्रेस की मोरालिटी? सबसे शानदार एग्जाम्पल तो इंदिरा गांधी का है। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई किया क्योंकि उन्होंने इलेक्शन गलत तरीके से जीता था। डिड इंदिरा गांधी रिजाइन एज द PM? शी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी। पूरे देश को 2 सालों तक अपना गुलाम बना के रखा। क्या ये है कांग्रेस की मोरालिटी? भोपाल गैस ट्रेजेडी के सबसे बड़े कल्प्रिट को देश से बाहर भगाया गया। क्या ये है इनकी मोरालिटी? चलो थोड़ा और आगे आते हैं। यूपीए गवर्नमेंट के 10 सालों में 9 स्कैम्स हैं। ये रिकॉर्ड तो मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती। बट डिड मनमोहन सिंह रिजाइन? इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स, आपके 5 बड़े लीडर्स दिल्ली लिक्वर स्कैम में जेल में हैं। केजरीवाल खुद अरेस्ट होने के बाद भी जेल से CM बने बैठे हैं। शुड ही नॉट रिजाइन ऑन मॉरल ग्राउंड्स? TMC पार्टी स्कैम्स में डूबी हुई है। शारदा चिटफंड स्कैम, नारदा स्टिंग ऑपरेशन,
वीरभूमि मैसेकर जिसमें टीएमसी लीडर ने 10 लोगों को खुले आम मारा, 10,000 करोड़ का राशन स्कैम, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम जिसने हजारों लोगों की जिंदगियां खराब की हैं। क्या ममता बनर्जी ने एक बार भी सोचा है रिजाइन देने के लिए ऑन मोरल ग्राउंड्स? नहीं, सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं कि क्या है इनके मोरल्स। टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में जो मेन एक्यूज्ड हैं, वो ममता के खास भी हैं, मिस्टर पार्थाचाटी जी। इन्हें ममता बनर्जी ने बचाने की पूरी कोशिश करी। जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी, तो टीएमसी गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया। ऐसे करप्ट मिनिस्टर को हटाने की जगह बचाया जा रहा है। ईडी ने इन्हें अरेस्ट किया, तब भी नहीं हटाया गया। जब रेड पड़ी और 50 करोड़ कैश रिकवर हुआ मिस्टर चैटर्जी के यहाँ से, उसके 5 दिन बाद टीएमसी ने प्रेशर में आकर इन्हें पार्टी से सस्पेंड किया। मुझे हंसी आती है जब ऐसे लोग मोरल्स की बात करते हैं। अगर हम पूरी अलायंस के लोगों के स्कैम्स की बात करने लगे तो शायद पूरा दिन यही निकल जाएगा। आप हमें बताइए कि क्या ये सब जानने के बाद भी आपको लगता है पीएम मोदी शुड रिजाइन ऑन मोरल ग्राउंड्स?